नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। अब तक अपन ने 108 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टेस्ट सीरीज में कमेंट करने के लिए दिया था, तो काफी स्टूडेंट्स का जवाब एकदम से सही था। 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट, ये एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, कुछ मानकों के अकॉर्डिंग आप कुछ जो एम्पियर फ्यूज रेटिंग है वह आप किलोवाट के लिए याद कर सकते हो। कंटिन्यू वो क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैसे कि यहाँ 15 एम्पियर के लिए पूछा है। देखो 16 एम्पियर का स्टैंडर्ड नहीं है, 15 एम्पियर पूछते हैं, तो लगभग अपन 15 एम्पियर के लिए कितना होता है, 3 किलोवाट होता है। एक तो एग्जाम में ये क्वेश्चन कंटिन्यू पूछा जाता है। इसके अलावा कई बार 45 एम्पियर के लिए पूछा जाता है, तो 45 एम्पियर के लिए जो वाटेज क्षमता होती है वह 13 किलोवाट होती है। 13 किलोवाट की पावर के लिए अपन 45 एम्पियर का फ्यूज यूज लेते हैं। इसके अलावा कई बार 30 एम्पियर से रिलेटेड भी पूछता है, तो 30 एम्पियर के लिए आप याद रखिएगा कितना होता है, 7 किलोवाट। और साथ ही 20 एम्पियर के लिए कितना हो जाता है, आप में से कोई कमेंट करके बताएगा। 20 एम्पियर का मैं आप सभी को देता हूँ क्वेश्चन ये। और इसके अलावा 15 एम्पियर अपना हो गया, उसके अलावा 13 एम्पियर, 13 एम्पियर कितने किलोवाट के लिए होती है, 3 किलोवाट के लिए होती है। लगभग वही समान ही है, 13 और 15 दोनों। 16 पूछे, 13 पूछे, 15 पूछे, बस एक आइडिया है। और आप इसे कैलकुलेट भी अगर किसी को करना आता है तो बताइएगा। 5 एम्पियर जो है वह अपन कितने करते हैं, 1200 वाट के सर्किट के लिए, यानी कि अपने घर में जो बल्ब पंखे वगैरह उनके लिए। और 3 एम्पियर कितने के लिए होता है, 700 वाट के लिए। ये कुछ स्टैंडर्ड हैं, या कह सकते हैं कि ये वो क्वेश्चन है जो कंटिन्यू एग्जाम में रिपीट होते हैं। वो एम्पियर रेटिंग और वाटेज रेटिंग मैंने आपको यहाँ लिखवा दी है, तो एक बार याद कर लीजिए। आसान है, याद हो जाएगी एक दो बार प्रैक्टिस में लाओगे तो। चलिए नेक्स्ट, 109 नंबर क्वेश्चन। बैटरी का ट्रिकल चार्ज खालिस्तान द्वारा चार्ज किया जाता है। जो बैटरी है उसका ट्रिकल चार्जिंग में क्या होता है, वेरी लो करंट, फुल लोड करंट, ओवरलोड करंट, लो लोड करंट, हाई इनरस करंट। यानी कि ट्रिकल चार्जिंग जो मेथड होती है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, अगर लंबे टाइम तक तो कोई बैटरी अनावेशित यानी डिस्चार्ज कंडीशन में पड़ी रहती है, तो उसे अपन अगर वापस से यूज में लेना चाहें तो उससे पहले अपन क्या करते हैं, ट्रिकल चार्जिंग करते हैं। ट्रिकल चार्जिंग में क्या होता है, बहुत ही कम धारा के ऊपर अपन बैटरी को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 109 के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट, 110 नंबर क्वेश्चन। मोबाइल फोन है उसमें प्रयोग की जाने वाली बैटरी किसमें रेटेड होती है। आप सभी के पास फोन है, उस फोन की जो बैटरी है उसकी रेटिंग आपसे पूछी है। लगभग बहुत आसान क्वेश्चन है, लगभग सभी को पता है। अपन फोन परचेज करते हैं, उससे पहले बैटरी देखते हैं कितने हजार एमएच की है, सभी देखते हो ना। तो उसी बैटरी के से रिलेटेड क्वेश्चन है, मोबाइल फोन में प्रयोग की जाने वाली बैटरी की रेटिंग किसमें होती है। तो किसमें होती है, यहाँ एमएच ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में ध्यान से देखिएगा, सीधा एमएच नहीं लिखा आपके लिए। अगर फुल फॉर्म आप में से किसी को आती है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, मिली एम्पियर होवर्स। ऑप्शन नंबर थर्ड 110 के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसे अपन शॉर्ट में बैटरी पे आपने लिखा हुआ देखा होगा, AMAH ये लिखा हुआ देखा होगा। जैसे कोई 4000 mAh की बैटरी होती है, 3000, 1500। तो चलिए नेक्स्ट, 111 नंबर क्वेश्चन। निकिल कैडमियम बैटरी या सेल में रासायनिक अभिक्रिया पूरी तरह से खालिस्तान होती है, बताओ किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है निकिल कैडमियम बैटरी या सेल के अंदर। तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, निकिल कैडमियम क्या है, सेकेंडरी सेल है। ये किस प्रकार का सेल है, सेकेंडरी। सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं जिसे अपन दोबारा से चार्ज कर सकते हैं, यानी कि रिवर्सिबल। ऑप्शन नंबर 5 111 के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट,
112 नंबर क्वेश्चन, सोडियम वाष्प लालटेन में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? जो सोडियम वाष्प लैंप है उसके अंदर इनमें से कौन सी गैस यूज की जाती है? आर्गन, वायु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बताइए। तो सोडियम वेपर जो लैंप है उसका वर्किंग प्रिंसिपल आप में से किसी को आता है? अगर नहीं आता तो इसके वर्किंग प्रिंसिपल को एक बार जरूर पढ़िएगा। इसके वर्किंग प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर आजकल बनाते हैं। अगर आप हर लैंप का वर्किंग प्रिंसिपल एक बार अपने नोट्स में से पढ़ लोगे या अपने अकॉर्डिंग थोड़े अदर अदर नोट्स बना लोगे तो बहुत आसानी से आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकते हो। तो जो सोडियम वेपर लैंप होता है उसके अंदर क्या होता है? नियोन या आर्गन का क्या होता है? आयनीकरण होता है। कौन सी गैस होती है? आर्गन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग 112 में राइट आंसर। नेक्स्ट 113 नंबर क्वेश्चन, एक सौर सेल से कितनी बिजली पैदा होती है? इम्पोर्टेंट है आजकल सोलर सिस्टम के ऊपर। आपने बाहर मार्केट में देखा होगा सोलर सिस्टम बहुत तेजी से मार्केट के अंदर आ रहा है, लोग अपने घरों पर लगवा रहे हैं। तो जो सोलर सिस्टम है उसकी ये वर्किंग प्रिंसिपल आपको जरूर आनी चाहिए। सोलर सिस्टम की वर्किंग प्रिंसिपल, आजकल घर पे जो सोलर सिस्टम लगा जाता है वो मेन लाइन ग्रिड सिस्टम से भी जुड़ा होता है। बिजली विभाग से जो आपकी लाइनें आती है उसके साथ वह सोलर सिस्टम जुड़ा होता है, उसका पूरा वर्किंग अगर आप हमारे से मेरे से पढ़ना चाहो तो कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका एक वर्किंग पे पूरा वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज आप जिस भी टीचर से थ्योरी पढ़ रहे हो वहाँ वह वर्किंग प्रिंसिपल जरूर पड़ेगा। उसके अंदर तीन चार प्रकार की प्रोटेक्शन रिले लगी होती है, उनसे रिलेटेड आजकल जो लेटेस्ट एग्जाम है उनके अंदर क्वेश्चन आते हैं। वो आपके सिलेबस में कहीं नहीं है माना कि, बट क्वेश्चन एग्जामिनर उनसे बना रहे हैं। यानी कि सोलर सिस्टम के अंदर आजकल, अभी मैंने पीछे देखा था, ओवर हेड यानी कि सोलर सिस्टम से आकाशीय बिजली से बचाने के लिए सोलर सिस्टम, अगर मान लीजिए आपने घर के ऊपर एक सोलर सिस्टम लगा रखा है, ठीक है, वो बाहर ग्रिड सिस्टम से भी जुड़ा है, ग्रिड सिस्टम पर कहीं आकाशीय बिजली या सर्ज गिरता है तो सोलर सिस्टम और आपके घर की वायरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आप यहाँ क्या, कौन सी डिवाइस लगाते हो? ओवर वोल्टेज के लिए कौन सी लगाते हो? अंडर वोल्टेज के लिए कौन सी लगाते हो? इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर्स आजकल बनाते हैं। अगर आपको पूरा डिटेल में सोलर सिस्टम मेरे से पढ़ना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप सभी के अच्छे काफी संख्या में कमेंट आएंगे तो मैं आपके लिए पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज आप जरूर पढ़िएगा, सोलर सिस्टम आजकल एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। एक सोलर सेल है जो उससे कितनी वोल्ट, कितनी पावर उत्पन्न की जा सकती है? तो 0.7 वाट। चलिए नेक्स्ट 114 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक 2 वोल्ट और 4 AH वाले 4 सेल समांतर में जुड़े हैं तो बैटरी का शुद्ध वोल्टेज क्या होगा? आप सभी जानते हो समांतर क्रम के अंदर कितनी भी डिवाइसेज जोड़ लो हमेशा उन पे वोल्टेज क्या होता है? बराबर होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है? वोल्टेज जुड़ता है। समांतर क्रम में वोल्टेज क्या रहता है? वही रहता है। तो प्रत्येक सेल का जो वोल्टेज होगा वही इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड 114 के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 115 नंबर की क्वेश्चन, किसी पूर्णतया आवेशित सीसा एमएल बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा? यानी कि जो फुल्ली चार्ज है एक लेड एसिड बैटरी उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी आपसे पूछी है। किसकी सहायता से मापते हैं अपन? हाइड्रोमीटर की सहायता से मापते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को। और फुल चार्ज कंडीशन में यह कितनी होती है? चलिए मैं आपको सभी कंडीशन के लिए लिखवा देता हूं, पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है। यानी कि डिस्चार्ज कंडीशन के लिए कितनी होती है? 1.13 25% चार्ज के लिए। ये टेबल आप याद कर लीजिएगा, 25% चार्ज के लिए 1.19, 50% चार्जिंग के लिए कितनी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी? 1.22, और 75% के लिए कितनी होती है? 1.25, और 100% चार्जिंग के लिए। इनमें से आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, कितनी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी? 1.28। ये जो लेड एसिड बैटरी के लिए टेबल है इस टेबल को आपको कंप्लीट याद रखना है। डिस्चार्ज यानी कि 0% मान के चलिए। इनमें से एग्जामिनर ज्यादातर 50%, 100% और डिस्चार्ज कंडीशन के लिए पूछता है। तो
यहाँ आपसे क्या पूछा है, फुल चार्ज कंडीशन के लिए पूछा है, तो फुल चार्ज कंडीशन के लिए कितनी होती है, 1.28। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सभी सभी याद करके जाना, डिस्चार्ज कंडीशन 50%, 25, 75, 100%। चलिए नेक्स्ट, 116 नंबर क्वेश्चन। लेड की बेट लीड को बैटरी के लीड को बैटरी के ऋणात्मक और धनात्मक से जोड़ने पर क्या उत्पन्न होगा, यानी कि एक अपनी बैटरी है, उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और यह नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक। क्या बोल रहे हैं, ऋणात्मक से धनात्मक को जोड़ने पर, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ने पर क्या होगा, आपने कई बार करके भी देखा होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बैटरी चार्ज है या नहीं है उसको ऐसे आपस में सॉर्ट करके देखते हैं, जबकि वो गलत होता है। तो बताओ क्या होगा अगर ऐसा कुछ अपन करेंगे, जैसा कि मैंने आपके सामने डायग्राम में बनाया है, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट ही तो होगा। बैटरी को अपन क्या कर रहे हैं, एक वायर की सहायता से शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। बट ऐसा करना नहीं चाहिए, बैटरी की एज के ऊपर प्रभाव पड़ता है। चलिए नेक्स्ट, 117 नंबर क्वेश्चन। लुमेन पर वाट खालिस्तान की इकाई है, जो लुमेन पर वाट है वह किसकी इकाई है, बताओ जल्दी से आंसर कमेंट करके। चलिए लुमेन पर वाट किसकी इकाई है, तो जो ल्यूमन पर वाट है वह किसकी इकाई होती है, ल्यूमिनेंस एफिशिएंसी यानी कि दीप्त दक्षता की, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कैंडला होती है, वो भी याद रखिएगा। तो आज की टेस्ट सीरीज में इतने ही, 117 नंबर क्वेश्चन तक करते हैं, बाकी अपन कल की कंटिन्यू करेंगे कल से। तो अब तक 117 क्वेश्चन की अपन ने टेस्ट सीरीज कर ली, कैसे लगे आप सभी को ये क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताइएगा। रोजाना 10 मिनट हमारे साथ क्वेश्चन जरूर देखिएगा, 10 मिनट में अपन रोजाना 10 क्वेश्चन करते हैं लगभग, जरूर देखिएगा। एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपके लिए डिजाइन करता हूँ, हर चैप्टर से चैप्टर वाइज कंटिन्यू अपन 1000 से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के 500 से 600 क्वेश्चन करेंगे। बीच बीच में आपके लिए मैं बड़ी टेस्ट सीरीज डिजाइन करने की कोशिश करूंगा। चलिए मैं आपको एक 118 नंबर क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूँ, 118 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओगे, और बाकी कंटिन्यू क्वेश्चन अपन नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।